अस्सलामुअलैकुम, ब्रांड कार्नर में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ चिकन पोटैटो कटलेट्स। तो मैंने लिए हैं जो है दो मीडियम साइज़ के आलू। तो पहले इनको करते हैं मैश, फिर दिखाते हैं आपको कि कैसे हम बना रहे हैं अपने ये कटलेट्स मज़ेदार से। ये दो मीडियम साइज़ के आलू मैंने मैश कर लिए हैं। अब ये एक प्याली चिकन डाल दूँ इसमें, रेड कर्न है 4 से 6 खाने के चम्मच, राइस फ्लोर है 3 खाने के चम्मच, हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ जीरा, 1 चुटकी इसके अंदर अजवाइन भी है मैंने डाली हुई, चाट मसाला टीस्पून है, खाने का 1 चम्मच सूखा धनिया है, सुर्ख मिर्च है 1/2 खाने का चम्मच, नमक 1/2 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 1 हरी मिर्च मैंने डाली है, बहुत स्पाइसी है, आप ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मिर्च भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छा सा करते हैं मिक्स और इनसे बनाते हैं अपने कटलेट्स। ये देखिए जहाँ पे हमारे आलू चिकन और सारे स्पाइसेस मैंने मिक्स कर लिए हैं, तो हम बनाते हैं इनसे अपने कटलेट्स। इस तरह मैंने एक ये ढक्कन दिया है और इसके अंदर बस मैं बना रही हूँ, ये मैंने इसके अंदर ये इस तरह पेपर लगाया है और ये देखिए इस तरह से आप हाथ से भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये इस तरह बना रही हूँ ताकि एक जैसे मेरे कटलेट्स बने, बहुत अच्छे से बने। यहाँ पे हमारा अच्छा सा कटलेट्स रेडी हो गया। इसी तरह हम अपने सारे ये कटलेट्स बना लेते हैं, अच्छा सा इनको दबाना है ताकि फ्राई करते हुए नरम होंगे, गरम हाथ से बनाएंगे, ज़्यादा दबाएंगे नहीं तो खुल जाएंगे सारे कटलेट्स, सारी मेहनत ड्राई हो जाएगी। अपने सारे कटलेट्स रेडी करते हैं, कटलेट्स हमारे रेडी हैं, इनको करते हैं फ्राई। गोल्डन करते हैं, आज बहुत मजेदार से हमारे कटलेट्स तैयार होने वाले हैं। अच्छा सा गोल्डन करते हैं, देखिए जी ये हमारे चिकन पोटैटो कटलेट्स बनके तैयार हैं। ये बहुत मज़ेदार से कटलेट्स हैं, ऊपर से क्रंची हैं, तो इनको आप ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इनको खा रही हूँ टमाटो केचप के साथ। ये बहुत मज़े के हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की
ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।